चलो चलो जल्दी आ जाओ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे भाई ने शायद अपनी इच्छा से या घर की परेशानी से जो भी है उनके अधिकारियों का नाम उसने लिया है, पांच लोगों का, उन्हीं के दबाव में उसने ये घटना की है। आपको वहाँ सुसाइड नोट देखने मिला था कि मिला? नहीं, सुसाइड नोट देखने नहीं मिला। उन्होंने बोला कि जी हम सुसाइड नोट साथ में भेज देंगे और पीएम रिपोर्ट। क्या नाम है आपको? मुकेश कुमार चौधरी। उसने बताया नहीं, ये तो कहीं ना कहीं एक रहस्यमय बात है और हम चाहते हैं सेना में इस प्रकार की सुधार होना चाहिए कि जहाँ यदि माँ बाप किसी सैनिक के यदि बीमार हैं तो उनको तत्काल सहायता छुट्टी मिलना चाहिए और यदि सैनिकों की शादी है तो उसमें बिल्कुल मानवीय आधार पर छुट्टी देना चाहिए। ये मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करूँगा, सेना के उच्च अधिकारियों से निवेदन करूँगा और भविष्य में मैं ये ऐसी आशा करूँगा कि भविष्य में जो जान देने वाला सैनिक है देश के लिए वो सुसाइड करे, ये सेना के लिए भी दुख की बात है और हमारे लिए भी दुख की बात है। आज हम दुख की घड़ी में पूरा नगर उस परिवार के साथ है और जहाँ जैसे भी पूरे नगर की परिवार को जरूरत पड़ेगी पूरा नगर उनके साथ है। जैसा सेना में छुट्टी देने का नियम है, जिसकी शादी है और उसको छुट्टी नहीं मिली, इसको किस घटना कैसे जोड़ के देखते हैं आप? ये तो तानाशाहीपूर्ण रवैया है और निश्चित रूप से बहुत से अधिकारी ठीक होते हैं, परंतु जो भी उस यूनिट के अधिकारी होंगे निश्चित रूप से इस प्रकार का दबाव बनाया गया होगा। सेना में अधिकतर ये होता नहीं है, परंतु जो हुआ है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है।